नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके समक्ष उत्तराखंड की साहित्यकार श्रीमती तारा पांडे की एक दीर्घ कविता सती लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे यह कविता बी ए फाइनल ईयर और बी ए सिक्स सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है दोस्तों अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम श्रीमती तारा पांडे के विषय में कुछ जान लेते हैं हिंदी साहित्य जगत की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री श्रीमती तारा पांडे एक उत्कृष्ट काव्य सर्जक थी इनका जन्म 1915 में दिल्ली में हुआ था और अल्मोड़ा के और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इनका लालन पालन हुआ था छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा तथा सुमित्रा नंदन पंत की ये समकालीन लेखिका थी इन्होंने चौदह वर्ष की आयु से ही अनेक काव्य संग्रह गीत संग्रह काव्य एवं लघु कथा संग्रह लिखने प्रारंभ किए थे साठ वर्षों के साहित्यिक समर्पण के लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें प्रमुख है शेखसरिया पुरस्कार 1935 में इन्हें प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान उन्नीस में प्राप्त हुआ तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान का सुब्रमण्य भारती पुरस्कार भी नहीं प्राप्त हुआ था अब हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं इसमें है सीकर सुखपिक आभा गोधुली विडुकी अंतरंगिडी विपंची काकली बल्लकी पावस साधिनी भावगंधा पंखुड़िया अनल पंकज, पारिजात, पारीजात सुघोष मणिपुष्पक पुष्पहास स्मृति सुगंध तथा छिन्न तुलिका इनके कविता संग्रह हैं रेखाएं एवं गीतों के पंख इनके गद्य काव्य है उत्सर्ग इनका कहानी संग्रह है दोस्तों हमने यहाँ पे श्रीमती तारा पांडे के विषय में कुछ जाना कुछ समझा अब हम इनकी कविता जिसका शीर्षक है सती उसका उसे पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं इस कविता का आख्यान पौराणिक है दोस्तों इसमें शिव और सती की कथा को आधार बनाया गया है सती त्याग का प्रतीक और शिव मर्यादा के प्रतीक है शुरुआत करें ध्यान मग्न बैठे थे शंकर दक्ष सुता ने किया नमन जागी भोला नाथ ध्यान से अधरों में स्मित खुले नयन शिव शंकर ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे अर्थात दक्षात प्रणाम किया जागे भोला नाथ ध्यान से शिव शंकर ध्यान से जागे अधरों में स्मित खुले नयन होठों में मंद मंद मुस्कान लिए हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली वाम भाग में बैठ प्रिया ने किया भक्ति से पूजन अर्चन धूप दीप फलपत्र पुष्प जल तनमन प्रभु को किया समर्पण शिव शंकर के बाएं भाग में बैठकर उनकी प्रिया अर्थात सती ने भक्ति भावना से उनका पूजन अर्चन किया उन्हें धूप दीप फल पत्र पुष्प जल आदि अर्पित किए साथ ही अपना तन मन उन्हें समर्पित कर दिया सदा ध्यान में बैठे रहते जपते शिव जय जय श्री राम देवाधिदेव हैं स्वयं प्रभु फिर किसका लेते सदा नाम शिव शंकर सदा ध्यान में बैठे रहते हैं और और जय जय श्री राम का जाप करते रहते हैं सती सोचती है कि मेरे स्वामी तो देवों के भी देव हैं फिर वह सदा किसका नाम लेते रहते हैं दक्ष नंदिनी के संग संकर भ्रमण कर रहे थे वन में राम करुण होकर मन में एक बार की बात है सती के साथ शिव शंकर वन में भ्रमण कर रहे थे तो दूसरी तरफ श्री राम जनक सुता अर्थात सीता को ढूंढते हुए वन में विलाप कर रहे थे यह उस समय का वर्णन है जब रावण सीता को हर ले जाता है और राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें वन में घट फिरते हैं जय श्री राम कहा भोला ने नमन किया फिर बारंबार बार संकित चित्त से देख रही थी पति का यह अद्भुत व्यवहार शिव शंकर ने जय श्री राम को देखा और जय श्री राम कहा उन्हें बार बार प्रणाम किया संकेत चित्त से देख रही थी पति का यह अद्भुत व्यवहार अपने स्वामी शिव शंकर के इस अद्भुत व्यवहार को देख देखकर सती जो आश्चर्य से भर उठी और उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई महादेव है श्रेष्ठ सभी से राम विरह से हैं अतिदीन साधारण मानव विभू के तीन लोक में ये प्राचीन कि महादेव तो सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं और राम अपनी प्रिया के विरह से अतिदीनहीन हैं साधारण मानव भी वे तो इस पृथ्वी के साधारण सी मनुष्य हैं तीन लोक में ये प्राचीन और मेरे स्वामी तो तीनों लोकों में अत्यधिक प्राचीन हैं तीनों लोकों के स्वामी हैं तीनों लोकों में उनका वर्चस्व है जान गए मन की शंका को विह सती से से बोले जाकर ले स्वयं परीक्षा नयन तुम्हारे जो खोले सती के मन की शंका को जानकर शिव शंकर सती से कहते हैं कि तुम स्वयं जाकर श्री राम की परीक्षा ले लो ताकि तुम उनकी सच्चाई जान सको भारी था संदेह युक्त मन असमंजस मन में हो कैसे लूँ मैं आज परीक्षा बिना लिए या धीरज खोता सती के मन में संदेह व्याप्त था उनका मन असमंजस की स्थिति में था कि किस प्रकार मैं श्रीराम की परीक्षा लूं बिना लिए भी उनका धैर्य खोता जा रहा था बिना शंभु की आज्ञा के तप सती बनाया सीतावेश उसे विपिन में गई धीरपथ जहाँ विचरते थे अवधेश सती ने राम को भ्रमित करने के लिए सीता का वेश धारण किया वह बिना शिव शंकर को बताए हुए ही सीता के वेश में श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उसी वन में जा पहुँची जहाँ अवधेश अर्थात श्री राम सीता को ढूंढते फिर रहे थे अनुसहित करके प्रणाम तब बोले शांति चित्त श्री राम माँ तो फिर रही क्यों एकाकी कहाँ रहे पूरण का सीता के विष में श्री राम सती को पहचान लेते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे माता तुम इस मन में क्यों एकाकी फिर रही हो शिव शंकर कहाँ हैं अर्थात मेरे गुरु कहाँ हैं कंपित तन पीले पत्ते सा मुख विवर्ण कुछ कह न सकी चली शीघ्रता से दुखित हो नहीं एक पल वहाँ रुकी सती जब जान लेती है कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ब्रह्म है तो उनका शरीर कांपने लगता है वह पीले पत्ते सा उनका चेहरा पर जाता है और वह कुछ कह नहीं पाती उनका मन दुख से भर जाता है और वहाँ एक पल भी नहीं ठहरना चाहती चकित भ्रमित भूपर गिर कर मूर्छित दक्षसुता कहती महिमा अमित न जान सकी मैं क्षमा कर आपद्रज कहती चकित और भ्रमित सी सती धरा पर अर्थात पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर जाती हैं और कहती है कि मैं आपकी सपरम्पार महिमा को नहीं पहचान सकी उसके लिए मुझे माफ करें उनके चरणों की धूल लेती हैं आँख खुली जब देवी सती की वाह नहीं था तब कोई अपने ही बोध से दक्ष नंदिनी मन में रोई जब देवी सती की आँख खुलती है तो उनके समक्ष कोई नहीं होता वे अंतर ध्यान हो जाते हैं अपने इस अपराध के कारण अपने इस पाप के कारण वह अत्यधिक दुखी होती है और मन ही मन रोती हैं धीरे धीरे पति समक्ष जाओ सती नमन करके बोली जय हो हे देवाधि देव की शिव ने तब आँखें खोली। सती जब अपने पति यानी कि शिव के समक्ष पहुँचती हैं तो उन्हें प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हे देवों के देव तब से आँखें खोलते हैं मुख पर थी विसाद की रेखा सजल बने थे नील नयन कांप रही थी देह लता सी शिव ने मुदे निज लोचन उनके मुख पर दुख की छाया मंडरा रही थी उनकी आंखों पर अश्रु थे उनकी देह लता के समान कांप रही थी शिव ने अपनी आंखें बंद की क्योंकि वह जान गए थे कि सती ने सीता का विस्थारण धारण करके श्रीराम की परीक्षा ली है वह उन्हें मन ही मन त्याग देते हैं वह कहते हैं कि इष्ट देव है राम हमारी जन्नी है सीता माता कि राम तो हमारे इष्ट देव है और सीता हमारी जन्नी है सती बनाया वही रूप जब अब कैसे जुड़ता नाता सती तुमने सीता का वेश बनाकर बहुत गलत किया है अब हमारा रिश्ता पति पत्नी का जो रिश्ता है वह किस तरह जुड़ सकता है इस तन से अब नहीं मिलेंगे यही प्रतिज्ञा करनी है वाणी भी प्रतिध्वनि करती लाश सती की धरनी है इस शरीर से अब हम नहीं मिल पाएंगे यही प्रतिज्ञा शिव को करनी पड़ी और आकाश रूपी आकाश में जो वाणी थी वह भी प्रतिध्वनित हो गई हो कि किस तरह सती की लाश रखी जाए इसके लिए शिव को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वह सती को त्याग देंगे सती बैठती सन्मुख पति के वाम भाग रहता सुना अपनी स्थिति को देख समझकर मन का दुख होता दूना सती जो शिव के बाई भाग में बैठती थी वह अब उनके सम्मुख बैठ रही थी अपनी इस दशा को देखकर वह अत्यधिक दुखी होती हैं और इस दशा के कारण उनका मन मन का जो दुख होता है वह बढ़ता ही चला जाता है सुख दुख से ऊपर उठकर ही सिर्फ समाधि में खो जाते किंतु सती के मन के भीतर दुख के गहन जलद छाते सिर्फ तो सुख दुख से ऊपर उठकर संसार से मुक्त होकर अर्थात संसार से परी लीन होकर समाधि में चले जाते हैं किंतु सती के मन के अंदर ही जो दुख के बादल हैं वह गहन रूप से छाते रहते हैं दुख बढ़ता ही जाता है उनका महिमा जान नहीं पाई में इससे ही मन में परिताप हुआ मन में ताप हुआ चंचल मन की व्याकुलता से प्रतिक्षण यह परिताप हुआ सती सोचती हैं कि मैं सिर्फ मैं श्री राम की इस महिमा को जान नहीं पाई अपने मन की चंचलता और इस व्याकुलता के कारण ही मुझसे यह अपराध हुआ है शांत चित्त से बैठे दंपति भक्ति कथा कहते सुंदर अन्य मनस्क सती का मन था जान रहे थे शिव शंकर शिव और सती शांत मन से बैठे थे और भक्ति कथा में निमग्न थे सती के मन की पीड़ा को शिव शंकर जान रहे थे एक दिवस या अनु में चर सब देव जा रहे न भू पर सती पूछती प्रभु या कैसा कोलाहल होता मनहर एक दिन की बात है सभी देवी देवता आकाश में ऊपर से यानों में चढ़कर जा रहे थे तो सती पूछते हैं कि प्रभु यह कैसा शोर है ये लोग कहाँ जा रहे हैं नीलकंठ तब हंसकर बोले प्रिय पित्र चरण करते यज्ञ महान आज है जाते वही देवतागढ़ शिव शंकर हंसते हुए बोलते हैं कि हे प्रिय यह तुम्हारे पिता के वहाँ जा रहे हैं तुम्हारे पिता ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है वही ये देवतागढ़ प्रस्थान कर रहे हैं सती दुखित होकर फिर बोली क्यों न बुलाया हमें वहाँ भाव है उनका मुझसे नहीं निमंत्रण दिया यहाँ सती यह सुनकर दुखी हो जाती है और कहती हैं कि उनका हमसे क्या भाव है जो हमें आमंत्रित नहीं किया दक्ष सुता उत्सुक जाने को बिना अनिमंत्रित माँ के घर मन में अति संकोच हो रहा आज्ञा देंगे क्या शंकर दक्ष सुता अर्थात सती फिर भी अपनी माता के घर बिना आमंत्रित किए ही जाने को तैयार हैं किंतु वह सोचती है कि क्या शिवशंकर मुझे जाने की आज्ञा देंगे जाना नहीं चाहिए तुमको बिना बुलाए पितृग्रह भी किंतु तुम्हारी इच्छा है यदि जा सकती हो कि सभी कहीं शिव शंकर कहते हैं कि बिना बुला बुलाए तो तुम्हें अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए अगर तुम्हारी इच्छा ही है तो तुम जा सकती हो संग तुम्हारे जाएंगे घर रक्षा जो कर सके तुम्हारी सावधान रहना है तुमको कहीं अनर्थ न हो वे भारी लेकिन तुम्हारे साथ मेरे कुछ गण भी जाएंगे जो तुम्हारी रक्षा करेंगे तुम भी सावधान रहना ताकि कोई अनर्थ न होने पाए कर प्रणाम पति के चरणों में हुई विदा प्रिय सुकुमारी होके गये भेंट न इस देह से मन में है हलचल भारी अपने पति स्वामी शिवजी को के चरणों में प्रणाम करके जैसे ही सती जाने के लिए प्रस्थान करती हैं तो उनके मन में एक हलचल पैदा होने लगती है कि क्या कभी अब इस शरीर से इस देह से हमारी भेंट हो सकेगी दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे सभी निमंत्रित आए थे केवल शिव का स्थान नहीं था सती नयन भर आए थे सती के पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे और जिनको भी उन्होंने आमंत्रित किया था वह सभी आए थे केवल शिव को छोड़कर क्योंकि शिव को आमंत्रित नहीं किया था यह देखकर सती की आंखों में आश्रु भर आए हलचल थी कोलाहल था बहनों को हास बिखरता था सती उदास अकेली बैठी मन व्याकुल क्रोध मुखर भी था चारोर हलचल थी शोर था बहनें आनंदोल्लास में निमग्न थी केवल सती ही थी जो उदास बैठी हुई थी उनका मन व्याकुल था और वह क्रोधित थी माँ की आंखें अश्रुपूर्ण थी बाहें फैलाकर गले लगाया जन्नी से मिलकर शांति मिली पर कोई और न मिल पाया सती की माँ की आंखें आशुओं से भरी हुई थी उन्होंने बाहें फैलाकर सती को गले लगाया अपनी माँ से मिलकर सती को भी शांति प्राप्त हुई पर किसी और से उनकी भेंट हो नहीं पाई हुई पिता से आज उपेक्षित क्रोध जगा व्याकुल और में पति का यह अपमान दुसा है अग्नि प्रज्वलित हो पुर में अपने पिता की इस उपेक्षा से सती के मन में क्रोध जाग उठा वह व्याकुल हो उठी अपने पति का यह अपमान उनसे सहा नहीं जा रहा था उनके मन में क्रोधाग्नि की ज्वाला धधक उठी थी एक यज्ञ हो रहा ज्वलित अग्नि में किंतु सती का मन जलता पश्चाताप हो रहा उर्मे कैसा यह कुचक्र चलता एक और तो यज्ञ की जो धधक रही थी तो दूसरी ओर सती के मन में क्रोधाग्नि चल रही थी उन्हें अपने हृदय में पश्चाताप हो रहा था।, था कि किस तरह का यह कुचक्र चल रहा है नीलकंठ की हुई अवज्ञा आ सती लेगी प्रतिशोध योग अग्नि में देह जल उठी हुआ दक्ष के उर्मे शिव शंकर की अवज्ञा होते देख सती के मन में प्रतिशोध की भावना जागने लगी वह यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई थी और उनके जो शरीर है वह जल उठा यह देखकर दक्ष प्रजापति के हृदय में भी बोध हुआ उन्हें भी समझ आया उन्हें भी पश्चाताप होने लगा हाहाकार हो गया भारी शिवगढ़ करती मख विध्वंस त्याग गई थी सती देह को पंख पसार उड़ गया हंस इस देह त्याग की घटना से चारों ओर हाहाकार मच गया तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई थी शिवगण करती मख विध्वंस शिव के द्वारा भेजे गए गणों ने यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला त्याग गई थी सती देह को सती ने अपने इस देह को त्याग दिया पंख पसार उड़ गया हंस उनके देह से आत्मा रूपी हंस उड़ गया अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हुई दोस्तों आज इस कविता की व्याख्या यहीं पे समाप्त होती है अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद